अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और SMJ Tech चैनल में खुश आमदीद। आज हम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के एक इंटरेस्टिंग से फीचर के बारे में सीखेंगे जो कि है मूव प्रोजेक्ट। अब मूव प्रोजेक्ट होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसके फीचर पे भी जाएंगे। बेसिकली कभी आपका प्रोजेक्ट में अक्सर ऐसा होता है कि आप पूरा प्लान बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट आप सेट करते हैं, मगर किसी वजह से वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो पाता है। कोई भी रीजंस हो सकते हैं उसके, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट हो पाए। तो जब आपको इवेंचुअली पता चलता है, लेट्स से कि मैंने जिस समय मेरे पास एक प्रोजेक्ट प्लान है जिसका मैंने इनिशियल स्टार्ट डेट रखी थी 1 जनवरी, अब किसी वजह से ये प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट हो पाया और मुझे अब पता चलता है कि लेट्स से कि ये प्रोजेक्ट एक सर्टेन डेट पे अब स्टार्ट होने जा रहा है, तो मेरे पास क्या तरीकेकार है कि मैं उसको चेंज करूं। ऑब्वियसली ये क्योंकि इसमें सिक्वेंशियल सारे टास्क डिफाइन हुए हैं, तो इसमें थोड़ा सा आसान है ये कि मैं स्टार्ट डेट चेंज करूंगा सब हिल जाएगा और ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन बास प्रोजेक्ट प्लान्स ऐसे होते हैं जिसमें मल्टीपल डिपेंडेंसीज होती हैं, बहुत सारे टास्क एक ही डेट पे स्टार्ट हो रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, तो उनको एडजस्ट करने में फिर चैलेंजेस हो जाते हैं। तो उसका जो सबसे आसान तरीका है और जिसमें MS प्रोजेक्ट आपकी हेल्प करता है वो ये कि अगर लेट्स से कि मैं चाहता हूँ मेरा ये प्रोजेक्ट अब 1 जनवरी के बजाय ये अब स्टार्ट हो 15 मार्च से, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे आके मूव प्रोजेक्ट में आके यहाँ पे इसकी डेट सेलेक्ट कर दूंगा कि नई स्टार्ट डेट जो है वो ओरिजिनल स्टार्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट मेरे पास जो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में डिफाइन हुई हुई है वो 1 जनवरी है, मैं चेंज करके 15 जनवरी करने जा रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन मेरे पास मौजूद होता है मूव डेडलाइंस का। तो मैंने अभी अपने क्योंकि प्रोजेक्ट में ऐसी कोई डेट नहीं डिफाइन की हुई जिसमें मैंने कोई कंस्ट्रेंट डाला हो, यानी कि एज सून एज पॉसिबल या मस्ट स्टार्ट ऑन, ये तरह कंस्ट्रेंट लगाए हो या कोई डेडलाइन लगाई हुई हो। जिन प्रोजेक्ट्स में डेडलाइंस लगी हुई होती हैं तो उसमें जरूरी होता है कि आप डेडलाइन को इन अकॉर्डेंस विद द प्रोजेक्ट टाइमलाइंस फिर मूव करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई टास्क जो है इट शुड एंड बाय 10 डेज ऑफ अ सर्टन डेट, तो वो डेडलाइन आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि मेरी प्रोजेक्ट मूव होने के साथ मूव हो। तो ये फायदा मुझे मिलता है बाय यूटिलाइजिंग द मूव प्रोजेक्ट वाला फंक्शन जो कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ। मैं इसका ओके करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे भी 1 जनवरी से मूव होके 15 मार्च पे आ गया और उसने ये ट्रैकिंग एंड चार्ट में भी उसको अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर दिया और उसने बाकी जितनी डिपेंडेंसीज थी वो फिर ऑटोमेटिकली उन टास्क के साथ उसने मूव कर दी। अच्छा, मेरे पास क्योंकि इस वक्त ये फ्लेक्सिबिलिटी थी कि मेरे पास इस वक्त ये प्लान एक अनइनिशिएटेड फॉर्म में पड़ा हुआ था, इसीलिए मैंने इसको इतना आराम से मूव कर लिया। जो अनइनिशिएटेड या पार्शली इनिशिएटेड हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें एक डिफरेंट तरीके का होता है, वो हम एक और किसी वीडियो में शेयर करेंगे। आज की वीडियो का पर्पस ये था कि एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो आपको दिखाई और इसमें बताया जाए कि आप किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन डे टू अनदर। तो आप आराम से अपना पूरा स्टार्ट डेट चेंज करके अपने प्रोजेक्ट की विदाउट चेंजिंग एनी अदर थिंग आप अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें कि हमने मूव प्रोजेक्ट के एक फीचर को एक्सप्लोर किया और आई होप ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम और भी इसकी डिटेल्स कवर करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।